अरे क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका स्वागत है। और जो आज का प्रश्न है वो नेट फर्स्ट पेपर का प्रश्न है। इसमें एक प्रश्न दिया गया है जो रिसर्च से रिलेटेड है, वो 2015 में आया हुआ प्रश्न है। एक संख्यात्मक अभिसमता परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं, यह कथन निम्न में से किसको इंगित करता है? अगर ऐसा होता है कि ये बताया जाए कि कोई रिसर्च किया गया उसमें जो मेल है और फीमेल दोनों ने एक जैसा प्रदर्शन किया, तो ये हाइपोथेसिस कैसी होगी? तो हाइपोथेसिस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपने वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको कई प्रकार के हाइपोथेसिस बताई थी। अब देखिए ऑप्शन है इसमें, सांख्यिकीय परिकल्पना, स्टैटिकल जो आपकी हाइपोथेसिस होती है, अनुसंधान परिकल्पना, रिसर्च हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस और दिशात्मक परिकल्पना, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इसका आंसर क्या है। तब तक मैं आपको थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देती हूँ। जैसे कि आप अगर आपने किसी चीज़ पे मान लीजिए एक अध्ययन किया कि पुरुष तथा महिला की आईक्यू का आपने अध्ययन किया और आपने ये रिजल्ट एक तरह से फाइंड किया या ऐसा एक कथन बोला, परिकल्पना बोली, संभावित उत्तर बताया कि दोनों पुरुष और महिला के जो आईक्यू हैं दोनों में समान प्रदर्शन है, मतलब उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं है, समान है मतलब कोई अंतर नहीं है। तो अगर इस प्रकार का आपका आंसर मिलता है तो वो कैसी हाइपोथेसिस होगी? तो आपने पढ़ा हुआ है सांख्यिकी परिकल्पना, अनुसंधान परिकल्पना, शून्य परिकल्पना और दिशात्मक परिकल्पना। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे वो है शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना में अगर आप देखेंगे तो शून्य परिकल्पना आपकी ऐसी परिकल्पना होती है जिसमें जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच कोई सार्थक अंतर नहीं होता। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो क्या है? नल हाइपोथेसिस। अगर शून्य परिकल्पना आपकी रिजेक्ट हो जाती है तब आप एक रिसर्च हाइपोथेसिस या अनुसंधान परिकल्पना बनाते हैं जो उसका रियल आंसर होता है, जब उनमें कोई सार्थक अंतर प्राप्त हो जाता है और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। दिशात्मक आप जानते ही हैं कि कोई डायरेक्शनल है कि या पुरुष की ज़्यादा है या महिला की ज़्यादा है। तो इस प्रकार की आपकी हाइपोथेसिस होती है और हाइपोथेसिस से रिलेटेड इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना होती है।